राष्ट्र ग्रंथ गौरव देश का समृद्धि मान है। राष्ट्र ग्रंथ गौरव देश का समुज्वल कीर्तिमान है। समुज्वल कीर्तिमान ये आता है बट राष्ट्रीय ग्रंथ गौरव देश ऐसा उल्टा करे तो राष्ट्र ग्रंथ है देश का गौरव नहीं या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय ग्रंथ देश का गौरव ऐसा ऐसे भी ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ देश का गौरव समुज्वल कीर्तिमान है ये भी कर सकते हैं। हाँ ये आता है। हाँ, है। राष्ट्रीय ग्रंथ देश का गौरव हाँ ये भी कर सकते हैं। ऐसा है अगर लगा दे तो बुरा लगता है क्या? राष्ट्र ग्रंथ है देश का गौरव राष्ट्र नहीं है ना राष्ट्रीय 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 ग्रंथ नहीं राष्ट्रवल के समुज्वल के समुज्वल कीर्तिमान है। समुज्वल कीर्तिमान समुज्वल समुज्वल देश का गौरव समुज्वल कीर्ति आगे समुज्वल समुज्वल कीर्तिमान है ऐसा है। राष्ट्रीय गौरव देश राष्ट्रीय ग्रंथ देश का गौरव शक्ति लोकतंत्र की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता स्वाभिमान है। धर्म अर्थ अधिकार जहाँ स्वप्रेरित लिखित प्रमाण है। लोकतंत्र की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता स्वाभिमान है। धर्म अर्थ अधिकार जहाँ स्वप्रेरित लिखित प्रमाण है। कर्तव्य अधिकार निहित संप्रभुत्वता अपार है। समृद्धि निष्पक्ष हिंद की गणित अति विस्तार है। ऐसा सशक्त और समृद्ध ऐसा अडिग हिमाद्रि सा ये हिंद का संविधान है। चित्र पर एक उज्जवल सा प्रदेश है। भारत माँ के मानचित्र पर एक उज्जवल सा प्रदेश है। सहज सरल इसकी सीधे साधा वेश है। जय जवान और जय किसान इसका गौरव विशेष है। जय किसान इसका गौरव विशेष है। जय जवान जय किसान इसका गौरव विशेष है। ये हरियाणा प्रदेश है। ये हरियाणा प्रदेश है। सही
हैं। और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे बीच मतलब साधना सरगम जी हैं, डॉक्टर राज सिंह साहब हैं। मतलब मैं इतने गाने कर चुका हूँ, मैंने 1800 से ऊपर ज़्यादा गाने किए, 250 फिल्में की हैं, हर प्रकार के मैंने गाने बनाए, भजन वगैरह सब, राष्ट्रगान भी बनाए। पर अभी जो मैं आज जो गाने रिकॉर्ड कर रहा हूँ साधना सरगम जी की आवाज़ में, एक तो भारत का संविधान, आज तक भारत का संविधान आप सिर्फ किताबों में पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं स्पीच वगैरह में, ये पहली मर्तबा डॉक्टर राज सिंह जी ने, जो कि गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़े अहदे पे हैं, और उन्होंने इस संविधान को लिखा गीत के रूप में, और मैंने कोशिश की उसकी धुन बनाने की। और साधना जी का लिए तो कहना क्या है, क्योंकि इतना अच्छा गाती हैं ये कि इनके सामने जो भी गाना आता है वो वैसे ही सुपरहिट हो जाता है। और जब हम लोगों ने गाना कंपोज किया तो हमको ये लगा कि इस गाने को कौन सही तरीके से न्याय दिला सकता है, तो उसमें सर्वप्रथम जो नाम आता है वो हमारी लाडली सुपरस्टार साधना सरगम जी का आता है, क्योंकि इनके साथ हमारा मेरे शुरुआती कैरियर से लेके अब तक हम लोगों का कंटिन्यू एक प्यारा सा संबंध बना रहा है, जो आज तक ईश्वर ने, माता रानी ने, अल्लाह ने बनाए रखा हुआ है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज हम दो गाने रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, एक तो भारत के संविधान पे जो साधना सरगम जी गा रही है, और एक हरियाणा प्रदेश के ऊपर। हरियाणा प्रदेश के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर हरियाणा को अगर आपको याद करना हो वैसे तो अपनी हर हर छवि में वो महान है, हिंदुस्तान के अंदर एक अलग ही अपनी छवि रखता है, मगर अगर स्पोर्ट्स का जहाँ तक सवाल है, या सैनिक का जहाँ तक देश की रक्षा का सवाल है, या किसान का सवाल है, तो मैं सकता हूँ कि जय जवान और जय किसान जितने हरियाणा से हैं, और जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी जितने हरियाणा से हैं मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में उतने नहीं हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो कोई हरियाणा प्रदेश के लिए एक अच्छा सा गाना डॉक्टर श्री राज सिंह साहब ने लिखा है और साधना जी गा रही हैं उसको, और मैंने कंपोज किया है, तो बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। तो बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि गीत के विषय में साधना जी से बात कीजिए। साधना जी, जैसा कि हम आपको जानते हैं कि आपने ढेरों सारे गाने गाए, लेकिन संविधान के ऊपर पहली बार इस तरह से गाना बन रहा है, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए इस तरह से गीत को रिकॉर्डिंग करना, गीत को गुनगुनाना? जी बिल्कुल सही बात है। एक तो संविधान के ऊपर गीत और संगीत नहीं बना है, जो संगीतकार हैं दिलीप सेन जी द ग्रेट, उन्होंने ये बहुत अच्छा गाना बनाया और लिखा है डॉक्टर राज सिंह जी ने, जो खुद इतने सभी जानते हैं कि भारत सरकार के कितने बड़े पद पे हैं वो, और लिखना संविधान के ऊपर और वो काव्य रूप में, लेकिन संविधान क्या है, उसकी महती क्या है, उसमें क्या है, वो पूरा ज्ञान और पूरा रिसर्च करके इन्होंने लिखा है और बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। जो मुझे गाने को मौका मिला है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रिविलेज फील कर रही हूँ मैं। सर आज आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कहना चाहेंगे सर, जैसा कि हमसे हमने बातें भी की कि संविधान के ऊपर हमने हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे गाने देखे, लेकिन संविधान के ऊपर पहली बार, एंड आप जब लिख रहे थे सर इस गाने को, तो क्या कुछ आपके दिमाग में था कि इस तरह से गाने लाने हैं, क्योंकि इस तरह के गाने हमारी इंडस्ट्री में नहीं आए हैं, या और भी हम आपको देखेंगे कि आप इस तरह के गाने और भी लाएंगे आप? धन्यवाद। ये राष्ट्रभक्ति का गीत है, इससे पहले भी राष्ट्रभक्ति का एक गीत हमने रिकॉर्ड किया था, और इस गीत में संविधान की प्रशंसा के ऊपर और जो हमारे संविधान की खासियत है उसके ऊपर ये गीत है। इस गीत में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक के 70 साल में संविधान के ऊपर कोई गीत नहीं बना। हमारा जो संविधान है वो लिपिबद्ध भी है, वो कूंचीबद्ध भी है। संविधान के हर चैप्टर में कुछ पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जैसे जो नागरिक अधिकारों के ऊपर जो चैप्टर है उसके ऊपर भगवान राम की तस्वीर है, संविधान में भगवान बौद्ध की तस्वीर है, संविधान में भगवान महावीर की तस्वीर है, ऐसे संविधान में बहुत सारी तस्वीरें हैं। तो हमारे यहाँ जो संविधान है वो लिपिबद्ध भी है, वो कूंचीबद्ध भी है, पर अभी तक संविधान के ऊपर उसको संगीतबद्ध नहीं बनाया गया था। तो इसमें जो खासियत ये है कि संविधान के जो संविधान की प्रशंसा है वो एक गीत के माध्यम से की गई है। संविधान की विशेषताएं इस गीत में है और संविधान की प्रशंसा इस गीत में है, तो ये पहला गीत है। दूसरा गीत हरियाणा प्रदेश के ऊपर है। हरियाणा प्रदेश की 4 खासियत हैं। पहला ये है कि वो
वीर सैनिकों का प्रदेश है। देश में 10% से ज़्यादा जो आर्मी में ऑफिसर हैं वो हरियाणा से आते हैं, जबकि हरियाणा की जनसंख्या देश की जनसंख्या का मात्र 2% है, पर 10% से ज़्यादा अधिकारी हरियाणा से आते हैं। ये हरियाणा में वीर सैनिकों का प्रदेश हरियाणा है। हरियाणा मेहनत कश किसानों का प्रदेश भी है। हरियाणा में गेहूं में, चावल में, गन्ने में बहुत बड़ी प्रोडक्शन है और नेशनल पूल में हरियाणा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तीसरी हरियाणा की खासियत ये है कि ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में जितने मेडल आते हैं उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा स्कोप रहता है। और चौथी जो हरियाणा की विशेषता है वो हरियाणा की धरोहर है। हरियाणा में भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है, तो गीता का उपदेश वो कुरुक्षेत्र की भूमि पे हुआ जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई। तो इस गीत में ये चारों ही बातें हैं कि हरियाणा किन के लिए प्रख्यात है, किन के लिए हरियाणा को जाना जाता है। तो ये गीत हरियाणा गीत है, हरियाणा की प्रशंसा के ऊपर गीत है और दोनों ही गीत राष्ट्रभक्ति के गीतों की श्रेणी में आते हैं। हरियाणा के बारे में, हरियाणा से बाहर भी लोगों को पता है कि क्या खेलों में खेल रतन हुए इस माटी से, ये सब चीज़ें इस गीत में लिखी हैं। और इस गीत में, इन दोनों में, ये दोनों ही जो गीत हैं इनको लय देना, इनको संगीत देना वो इतना आसान काम नहीं था। तो ये एक दिलीप भाई इतने अनुभवी संगीतकार हैं कि इन्होंने सैकड़ों फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया है, हजारों गाने इनके ऊपर हैं, 2,500 गाने इन्होंने बनाए हैं। और फिर क्योंकि ये दोनों ही गीत ऐसे गीत हैं जिनकी भाषा बहुत सरल नहीं हो सकती। आप संविधान के ऊपर लिखेंगे तो उसमें टेक्निकल चीज़ें भी हैं और उसमें इस तरह के शब्द हैं, तो इनको गाने के लिए भी एक ऐसे गायक की ज़रूरत है कि जिनका, जिनको इस सब में एक बहुत लंबा अनुभव हो, क्योंकि एक एक शब्द का उच्चारण, उसको लयबद्ध करना, उसके बाद उसको एक उसमें गाना, वो आसान काम नहीं था। तो साधना जी ने पहले भी राष्ट्रभक्ति के ऊपर एक गीत पहले भी किया था और वो बहुत अच्छे से, बहुत कुशलता से किया था। तो अब इनकी, इन्होंने उसको वाणीबद्ध किया है संविधान को भी और हरियाणा के गीत को भी, तो बहुत बहुत बधाई इनको कि इतना सुंदर गीत इन्होंने दिया। और दिलीप भाई को बहुत बहुत बधाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी संविधान दिवस होगा, जब भी गणतंत्र दिवस होगा, जब भी स्वतंत्रता दिवस होगा, तो उस वक्त ये गीत बजेंगे स्कूल में, कॉलेज में। ये जब ये गीत सुनेंगे तो उससे संविधान की विशेषताएं, जो विद्यार्थी हैं उनको भी संविधान की विशेषताएं पता चलेंगी। अब से पहले यही हो रहा था कि जो सीनियर लेवल पे जो एजुकेशन होती थी और उसमें जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उसको संविधान के बारे में पता है, तो संविधान की जो बेसिक चीज़ें हैं वो स्कूल के बच्चों तक पता होना चाहिए, वो आम आदमी को भी पता होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि संविधान सबने पढ़ा हुआ हो। तो संविधान की मुख्य बातें इस गीत में है और संविधान की प्रशंसा इस गीत में है, क्योंकि संविधान सर्वश्रेष्ठ विधान है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, देश संविधान से चलता है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि संविधान जैसे एक जो पवित्र ग्रंथ है उसके ऊपर एक गीत बन रहा है। धन्यवाद। क्या और धन्यवाद। मुझे ये कहना है आपको कि दोनों ही गीत बहुत कमाल के हैं और इतने बड़े विषय को इतने हो सके उतने सरलता से इस गीत और संगीत में ढाला है इन दोनों ने। और हरियाणा का गीत भी बहुत सुंदर बना, मुझे गाने का मौका मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। बिल्कुल सर। एक सर मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने हरियाणा के स्टेट के ऊपर इतना बेहतरीन सॉन्ग है हमने देखा मैडम, क्या हम आने वाले दिनों में और भी स्टेट के ऊपर देखेंगे कि आप इस तरह, मैं माना कि आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है, आप जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, और भी हम देखेंगे आपको इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पर इस तरह से गाने लिखते हुए, अगेन हम देखेंगे मैडम को इस स्टेट पर गाने हम देखेंगे हम? हाँ, क्यों नहीं। जो भारतीय संस्कृति है वो किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं है, भारतीय संस्कृति तो पूरे देश में है और हर प्रदेश की, हर राज्य की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं, तो उसके गौरव को उसका गुणगान करना ये तो होना चाहिए।
क्योंकि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति में ये सब होता है कि हमें फक्र होना चाहिए कि हम ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है जिसकी अपनी इतनी विशेषताएं हैं, जो देश इतना महान है, और उसके आगे फिर हमारा जो प्रदेश है, जो हमारा राज्य है, तो उसमें उसकी जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर गीत होने चाहिए, और आगे भी जैसे हरियाणा के ऊपर गीत लिखा है ऐसे दूसरे राज्यों के ऊपर भी इस तरह के गीत बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर। एक सर आखिरी सवाल सर, क्योंकि ढेर सारे आपने आपके सामने आपके प्रोजेक्ट देखे, इस प्रोजेक्ट से जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है सर आपके लिए? मैं यही कह रहा आपसे कि मैंने अब तक इतने काम किए इंडस्ट्री में, हर प्रकार का काम किया और भाषा वाइज भी काम किया, पर जो डॉक्टर साहब से मैं मिला, राज सिंह साहब, मतलब ये जितने मुखमंडल से इतने शांत स्वभाव के हैं, बड़े प्यारे से हैं, तो राइटिंग में मुझे ऐसा असर नहीं होता था कि यार इतना भोलापन आदमी, पोस्ट जान लीजिए पोस्ट जो भी हुई थी, मगर संगीत एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अनुभव काफ़ी चाहिए। बट जब मैं इनकी कविताओं को पढ़ा और पढ़ने के बाद में जब इन्होंने कुछ मुझे पंक्तियाँ भेजी, तो मैं इनका एक ही सवाल था कि दिलीप भाई इन पर कुछ हो सकता है क्या, तो मैंने कहा एक बार आप भेजिए। जैसे ही इन्होंने भेजा तो मुझे लगा कि भाई आज के इस युग में या आज के ज़माने में ये भाषा इतनी सरलता से इन्होंने जो हर प्रांत के लिए या हर चीज़ के लिए जो इन्होंने उस चीज़ को निभाया, मैंने कहा इस चीज़ को कंपोज करना चाहिए। नो डाउट थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमें उसको बांधना पड़ता है, अगर शब्द का भाव चेंज हो जाता है, अगर जरा सी भी धुन चेंज होती है तो वो भी हमको उसके अंदर रखना ज़रूरी था। तो सब चीज़ों का जो समावेश बना, और डॉक्टर साहब के साथ जो मुझे काम करने का मौका मिला, तो उसके लिए मैं मुकेश पांडे जी को, राकेश पांडे जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके जरिए एक नया हीरा मुझे मिला। और ये हीरा, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि हीरा इतनी चमक देंगे पूरी दुनिया को अपनी कला से कि लोगों को कुछ नया सुनने को मिलेगा आज के इस युग में, क्योंकि ये धीरे धीरे ये चीज़ें हमारे यहाँ से लिप्त होती जा रही है। जैसे मुझे अक्सर लोग पूछते हैं संगीत के विषय में कि आजकल के संगीत के लिए क्या कह रहे हो आप, तो मैं ये कहता हूँ कि नहीं जी, आज का भी संगीत अच्छा है, क्योंकि सबसे बात तो हमारे पास शब्द ही खत्म हो गए, तो लिखने वाले शब्द, हालांकि लिखने वाले, ऐसी बात नहीं कि लिखने वाले नहीं है, मगर मैंने ये सोचा कि डॉक्टर साहब की जैसी कुछ लिपियां आएगी हमारे पास। अभी ये गाना हम और करने जा रहे हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तो हम इसी गाने के अंदर रहना चाहते हैं। उसमें इन्होंने एक भी बहुत ही अलग भाव से एक रोमांटिक अंदाज लिखा देशभक्ति के अलावा, तो मुझे जब ये अंग इनका देखा तो उसमें भी मैं अचंभे में रह गया कि मैंने बोला डॉक्टर साहब आप में तो खूबी है। तो ये पंचमुखी कलाकार एक तरीके से, और जो आपने कहा ना कि और देशों के विषय में या और प्रांतों के विषय में लिखना है, तो वो हम डॉक्टर साहब के साथ बैठ के एक अनेकता में एकता का एक गाना बनाएंगे कि जिसमें हम अलग अलग प्रांत के होते हुए भी हमारे में एकता है, अलग अलग मजहब के होते हुए भी हमारे में एकता है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी से ही, मतलब आज से, आपने कहने के बाद में आज से हम लोग उस पर करेंगे कि अनेकता में एकता जो हमारी भारत की पहचान है पूरे विश्व में, क्योंकि भारत जाना ही जाता है अनेकता में एकता, सर्वधर्म सम्मान वाली बात में, तो हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। और मैं मीडिया से यही कहूंगा कि भैया ये गाना बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग फिलहाल तो इसी इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लोगों तक पहुँचाएं, और आपके इस माध्यम से चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बस इसी तरीके से हम लोग अच्छा काम करें और आप लोग ऐसे ही अच्छा हमको दिखाते रहें। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।